तो सुकरात से पूछा कि मेरे को सफलता चाहिए, सफलता का मंत्र चाहिए। कहते भाई सफलता का मंत्र चाहिए ना तो कल आ जाओ सुबह सुबह। नवयुवक 5 बजे सुकरात जी के पास किस काम के लिए पहुंच गया? सफलता का मंत्र चाहिए। 5 बजे सुकरात जी ने कहा ये पानी का लोटा लो, मेरे पीछे पीछे चलो। ले गया, 3 किलोमीटर आगे जाके नदी थी, आओ मेरे साथ साथ। अब सुकरात का तो कुछ भीगने के लिए था नहीं, एक लंगोटी सी थी और युवा पैंट पहन रहा। पहले इतना पानी आया, फिर इतना आया, जब यहाँ तक का पानी आ गया ना, कहता है अब रुक जाओ। रुक गया भाई, क्या चाहिए था? सफलता का मंत्र। सुकरात ने जो कहा कि भाई लंबा सांस खींच, लंबा सांस खींचा, नाक बंद करो, कर लिया, डुबकी लगा। भाई सफलता का मंत्र चाहिए, जो कहता करूँगा। लगा दी डुबकी, कितनी देर सांस रुकना था, सांस खत्म होते हुए जैसे ही बाहर की तरफ आया, सुकरात ने उसके सिर पर हाथ रखा और नीचे दबा दिया। अब नीचे दबाया तो सोचा यार ये क्या, पर सफलता का मंत्र है, क्या पता कोई तो बात होगी, और 2-4 सेकंड कोशिश करता हूँ। उसने और थोड़ी सी कोशिश करी, अब कितनी देर चलता, दोबारा ऐसे किया, उन्हें फिर दबा दिया। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। तीसरी बार उसने इतना जोर लगाया, सुकरात ने रोकने की तो कोशिश करी, पर वो हाथ उठ पता नहीं कहाँ जाके निकला और बाहर निकला। तो सुकरात ने पूछा बेटा क्या चाहिए, पता उसने क्या जवाब दिया? कहता बाबा जी सांस ले लेने दे, कुछ ना चाहिए। बेटा जिस दिन सफलता की उतनी जरूरत महसूस होगी ना जितनी सांस लेने के लिए जरूरत महसूस होती है, उस दिन सफलता मिलती है। सिर्फ सिलेबस पढ़ के रिसीटेट करने से सफलता नहीं मिलती, इतनी लगन चाहिए। बस एक बात और बता दूं,